Hi guys, hello, welcome back to my YouTube channel Optimistic Always with a Z in the end. I am Shipra and मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, guess करो क्या? मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ range of you know face creams, day cream, night cream. देखो मैं ज्यादा use तो करती नहीं, but जो भी use करती हूँ I make sure कि मैं आपको दिखाऊँ, आप तक पहुँचाऊँ वो चीज. YouTube पे आने से पहले मेरी आदत थी कि मैं कोई भी क्रीम दो पैक में ले लेती थी ताकि यू नो वो ज्यादा दिन तक चले एंड मुझे वापस जल्दी खरीदना ना पड़े. सो यू नो मैं प्रोडक्ट्स ट्राई तो करती थी बट उनको ज्यादा ज्यादा टाइम के लिए लेती थी बिकॉज ताकि मैं दूसरा प्रोडक्ट यू नो काफी टाइम बाद ट्राई कर पाऊँ. सो यहाँ भी वही केस है, आपको मे बी यू नो 5-6 दिख रहे होंगे बट ये असलियत नहीं है. सो यस, जो भी असलियत है मैं उससे आपको रूबरू करवाती हूँ. सो यस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो जितने लोगों के साथ हो पाए. प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, आई नीड योर सपोर्ट गाइस. एंड वीडियो को एंड तक देखिए, आपको कुछ नॉलेज भी मिलेगा और मजा तो आने वाला है. सो यस, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. यू नो गुड वाइब्स की चीजें की प्रोडक्ट्स मुझे बहुत बहुत पसंद है. सो ये भी मैं गुड वाइब्स का ही यूज कर रही हूँ, वीट जर्म नरिशिंग नाइट क्रीम. ये कुछ इस तरीके का दिखता है. ओके, सो ये कुछ इस तरीके का दिखता है एंड इसके इंग्रेडिएंट्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं. इसमें यू नो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं तो सबका मैं आपको नहीं बताऊंगी, जो इम्पोर्टेंट है विच इज इम्पोर्टेंट कि आप जानो वो चीज मैं आपको बता देती हूँ. ग्लिसरीन, वेरी गुड फॉर स्किन. विंटर्स में तो यू नो आप बहुत सारे DIYs एंड ऑल में ग्लिसरीन यूज भी करते होगे. बाय द वे, आपको अगर कोई भी DIYs चाहिए रिलेटेड टू स्किन हेयर आप मुझे बस कॉमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी. एनीवेज लेट्स मूव ऑन. सो एलोवेरा, वीट जम ऑयल, ग्रीन टी, क्यूकुम्बर एक्सट्रैक्ट. तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ना जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हद तक हार्म करे या फिर किसी भी टाइप का कुछ हार्मफुल केमिकल्स इसमें नहीं है. सो आप इसको यूज कर सकते हो आराम से. मैं इसका दूसरा पैक यूज कर रही हूँ जो आई गेस मैं लाना भूल गई एज ऑलवेज. इसका भी मैंने दो लिया था तो मैं इसका दूसरा पैक यूज कर रही हूँ जो मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया. ये न्यू वाला है तो उसके बाद आई एम गोना यूज दिस या फिर मैं कुछ और भी ट्राई कर सकती हूँ. अगर आप लोग कॉमेंट करो कि कुछ मंगवाना है तो फॉर श्योर मैं हाजिर हूँ. यस, सेकेंडली आई एम यूजिंग. मैं आपको, अगर आपको लग रहा होगा कि भैया ये तो बस बोलने के लिए बोल देती है कि हाँ यूज कर रही हूँ पता नहीं, तो हमें तो हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है कि ये यूज करी, तो मैं अभी आपको प्रूफ दिखाती हूँ. सो दिस इज गुड वाइब्स कोकोनट ब्राइटनिंग फेस क्रीम. सो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है और ऐसा दिखता है. आप लोग जानती होंगी गुड वाइब्स की पैकेजिंग, जो भी यू नो पर्पल से शॉपिंग करता है. सो करेंटली अभी मैं ये यूज कर रही हूँ और इसका दूसरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ. सब कुछ मैं नहीं भूलती यार लाना. देखो ये दोनों सेम टू सेम है. एक सेकेंड, यस ये देखो ये दोनों सेम टू सेम क्रीम है, ठीक है. और ये वाला मैंने अभी तक ओपन नहीं किया, मैं इसको आज ही ओपन करूंगी बिकॉज आप रीजन जानते हो. लुक एट दिस, आई हैव लाइक मैं इसको कंप्लीट कर चुकी हूँ. आई लव दिस सो सो मच. ये थोड़ा हैवी है आपकी स्किन पे तो यू नो विंटर्स में आपको बहुत इजी हो जाता है इसको अप्लाई करना, बहुत इजी. एंड यू नो बहुत कॉइंसाइज्ड अमाउंट आपको लेना, बहुत छोटू सा अमाउंट आपको लेना पड़ता है तो ये काफी काफी दिन तक चल जाता है. और इसकी साइज भी यू नो काफी अच्छी खासी है विद द प्राइस. सो प्राइस एंड ऑल मैं सब कुछ मैंशन कर दूंगी. बाय द वे इसका प्राइस है 225 एंड जो मैंने नाइट क्रीम दिखाया उसका प्राइस है 225 सेम, ठीक है. तो नाइट क्रीम मैंने आपको दिखा दिया, डे क्रीम मैंने आपको दिखा दिया. दिस इज अ नॉर्मल फेस क्रीम जो मैंने आपको दिखाया बट मैं इसको डे क्रीम की तरह यूज करती हूँ. अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं मोदी केयर के प्रोडक्ट्स भी यूज कर रही हूँ और जितने मुझे गुड वाइब्स के पसंद हैं उतने टू बी फ्रैंक मुझे मोदी केयर का पसंद नहीं, बट मोदी केयर के प्रोडक्ट्स भी अमेजिंग होते हैं. लाइक मैंने इनको ट्राई करना भी शुरू किया है. सो दिस इज रेजुविनेटिंग डे क्रीम. ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए और ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है. सॉरी एंड इसकी पैकेजिंग मुझे बड़ी पसंद है, अच्छी लगती है मुझे. एंड दिस इज, ये मुझे क्यों पसंद है बिकॉज इट कंटेन्स आलमंड एंड लेवेंडर. सो यू नो कुछ कुछ चीजें होती है जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, कुछ कुछ चीजें होती है आपके हेयर के लिए बहुत अच्छी होती हैं, उनको वो अगर आपको किसी क्रीम में यू नो पहले से ही मिल जाए तो क्या कहने भैया. सो ऑब्वियसली इसलिए मैंने इसको लिया है एंड इट इज प्राइस फॉर ₹265 एंड इसके इंग्रेडिएंट्स हैं एंटी ऑक्सीडेंट्स, नेचुरल ऑयल्स और डिफरेंट
काइंड्स का एक्सट्रैक्ट्स विच प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम प्री मैच्योर एजिंग. सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम हम यंग लड़कियों के फेज में कि मतलब राइट नाउ जैसे हम 20s में हैं, आई एम तो अंडर 25, सो बट आफ्टर यू नो 25 या आफ्टर 30 हमारे ऊपर एजिंग मतलब हमारे फेस पे स्किन पे एजिंग होना शुरू हो जाती है. तो उस चीज को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन चाहता है भाई 30+ में ऐसे रिंकल्स आ जाए. इसीलिए सो यस ये हो गया सेकेंड. इसी का मोदी केयर का ही आई एम यूजिंग एंटी एजिंग नाइट क्रीम. आप देख लो ये कुछ ऐसा दिखता है. एंड नाइट क्रीम में भी कॉलेजन एंड विटामिन ई. विटामिन ई इज वन ऑफ माई फेवरेट इंग्रेडिएंट्स. बाल के लिए हो, स्किन के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है विटामिन ई. उसका भी अगर आपको कुछ DIYs देखनी है स्किन या हेयर के लिए आप कमेंट करना, मैं आपको दिखा दूंगी. इट इज प्राइस्ड फॉर ₹255. एंड यस इसमें भी विटामिन ई है जो कि ऑब्वियसली आपकी एजिंग के साइंस को कम करता है. और यू नो विटामिन ई अगर नुकसान उसके दो हैं तो फायदे लाइक 20 हैं. सो आप एक बार अगर कुछ देखना चाहते हो आप तो श्योर बताना. और अगर आप विटामिन ई अभी तक नहीं यूज कर रहे हो तो प्लीज पैच टेस्ट करके यू नो यूज करना शुरू करना. एक दो बार टेस्ट कर लेना कि आपकी स्किन या हेयर में सूट कर रहा है. नहीं मोस्टली लोगों को सूट करता है बट हो सकता है कुछ लोगों को सूट ना करे. सो ये जो लास्ट मेरा है ये भी मोदी केयर का ही प्रोडक्ट है. सो दिस इज हाइड्रेटिंग पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर. इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद है एंड ये भी ऑल स्किन टाइप्स के लिए. सो वो भी मुझे पसंद है. इट इज प्राइस्ड एट ₹263 बट मुझे पर्सनली जो इसको सबसे अच्छे तरीके से यूज करना अच्छा लगता है वो है एज अ हैंड क्रीम. सो मैं इसको एज अ हैंड क्रीम यूज करती हूँ इस तरीके से लेके. और इसकी स्मेल मुझे बहुत पसंद है. मतलब इसकी स्मेल में पता नहीं कुछ जादू है. मुझे बहुत पसंद है. मतलब मुझे कोई बोल दे कि बस स्मेल करते रहो तो मैं स्मेल ही करते रहूं. एनीवेज ज्यादा हो गया. सो इसकी स्मेल मुझे बहुत पसंद है. सो यस यही कुछ डे क्रीम्स नाइट क्रीम्स या फिर मॉइस्चराइजर जिनको कि मैं हैंड क्रीम के जिसको कि मैं हैंड क्रीम के टाइप में यूज करती हूँ वो यही इतना ही रेंज है जितना मैं यूज करती हूँ. सो यस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं बिकॉज और कुछ है नहीं दिखाने को मेरे पास. जस्ट किडिंग. सो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं. आपको कुछ भी और टॉपिक पे वीडियो देखना हो आप एक कमेंट कर दो. मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर रिसर्च करके. एंड यस आज का वीडियो बहुत बार बोल चुकी हूँ यहीं पे खत्म करते हैं. ओके गाइस बी हैप्पी बाय बाय.